ये हम कहाँ खड़े हैं अभी देखो, हम लोग बस स्टैंड के एरिया में खड़े हैं। ये ब्रिज का काम चालू है, ये तो काफ़ी दिनों से काम चल रहा है इसका। ये क्या पता ये पैसे खा गए या क्या चल रहा है ब्रिज का, हम नहीं बता सकते, लेकिन ये काफ़ी अर्सों से इसका काम चल रहा है। इसका काम तो कुछ हो नहीं रहा है। प्लस दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक की जो इतनी तकलीफ है मालेगांव के अंदर, रोड कम है, रास्ता कम है, उसने ब्रिज बना दिए, और ये बड़ी बड़ी गाड़ी जो बाहर से जाने वाली, जो बाईपास जाने वाली, वो सिटी में से आ रही है, और इनको परमिशन दिया किसने? इनका जो टाइमिंग होता है वो सुबह 6 बजे से पहले, रात के 12 के बाद और सुबह 6 बजे के पहले ये लोग को परमिशन रहता है। तो अभी बज रहा कितना, 11, इनको परमिशन दिया किसने सिटी के अंदर से जाने का? इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान तो बहुत सारा है ना, लोगों को तकलीफ हो रही है जाने आने की। एक हादसा हो गया पिछले साल, हमारे यहाँ पे चाचा एक बुज़ुर्ग साइकिल के ऊपर सवार थे, वो ट्रक के नीचे आके उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। प्लस ये कुसुम्बा रोड है, इधर बहुत सारे मतलब हमारे गरीब लोग रहते हैं बेचारे, उनको तकलीफ है रास्ते पे मतलब आने जाने की, हर चीज़ों की तकलीफ। क्या क्या बताओ कितनी तकलीफ है इसकी। तो ये क्या बंद होना चाहिए सर, बंद होना चाहिए। बोले तो इसको मैं कैसे बंद करूं, आप बताओ तो मैं अभी बंद करवाता हूं इसको। लेकिन ये क्या तानाशाही चल रही है, क्या चल रही है? अच्छा, क्यों नहीं जा पा रहे वो तो? गाड़ी इतनी आ रही इसकी वजह से। कौन सी गाड़ी आ रही? गई ना कितनी गाड़ी, ये बड़ी बड़ी ट्रक, बड़ी हाँ बड़ी बड़ी, उसकी वजह से तुम रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे। हाँ, कितनी देर से आप परेशान हैं? कब से परेशान है चाचा आप? टाइम से परेशान है। खुदा ना खास्ता अगर तुम जाते रहे और कोई गाड़ी आ जाए तो वही वजह से हादसा हो जाए, वही वजह से खड़ा होना चाहिए, ये चालू रहना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए ना। वालेकुम, मालेगांव में मैं रहता हूँ, यहाँ इतनी तकलीफ है, बड़े बड़े नाले, बड़ी ट्रक आ रही जा रही, मतलब कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बोलने वाले? इस मुद्दे पे बोलो, लोगों का फर्ज बनता है, इस मुद्दे पे बोलो। यहाँ कुसुम्बा रोड से दुनिया भर की ट्रैफिक जाम रहती है, लोग जाते हैं आते हैं, गाड़ी इतने बड़े बड़े, कुछ हादसा हो गया कल, कुछ को हो गया कल, उसका जवाबदार कौन रहेगा, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो सभी को तकलीफ है। आज जुम्मा का दिन है, लोग अपने घर से जाते हैं जुम्मा करने जाते हैं, जुम्मा के अलावा भी और दिन रहते हैं। ये गांव का रास्ता है, पब्लिक शहर है, तो ये जो है बाईपास से रखना चाहिए। इनको परमिशन नहीं है, ये परमिशन नहीं है, तो 6 बजे से लेके रात में जो भी है इनका परमिशन, मतलब रात में से लेके। और ये ब्रिज का काम चल रहा है 5-10 साल से, ये ब्रिज का तो वो कयामत के दिन बनेगा ब्रिज, मेरे को तो लगता है ऐसा। इंशाल्लाह बन जाएगा तो बहुत अच्छे है, और अपने गाँव के लोग बहुत समझदार है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये जो है सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये इसको बाईपास से रखो, गांव में से मत रखो, क्योंकि आबादी दुनिया भर की है, मासूम बच्चे है, कुछ हादसा हो गया इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जल्द से जल्दी बंद करो इसको, और मतलब अच्छी से इसको करो काम, इसको मेरा बोलने का मतलब ये, और कोई मतलब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर के नए बस स्टैंड के सामने बनने वाला ये ब्रिज बरसों से बन नहीं पाया, और कितने साल तक ये ब्रिज बनेगा इससे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें दूसरी एक परेशानी और शुरू हो गई है, जहां पर हम खड़े हैं हमारे पीछे से कुसुम्बा रोड गुजरता है। ये कुसुम्बा रोड जो है, यहां से आने वाली हेवी ट्रैफिक से मालेगांव शहर की आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहां से एक बूढ़े जो आदमी थे उन्हें यहां से सिर्फ रोड क्रॉस करने के लिए 15 से 20 मिनट का इंतज़ार करना पड़ा। जुमा के दिन जब रश होता है तो लोगों को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो हेवी ट्रैफिक कुसुम्बा रोड से गुजरती है, ये ट्रैफिक रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के कर दी जाए, ताकि कोई हादसा होने से बच जाए।